हे एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया चहल व्लॉग्स में। और आज जो है मैं गई थी पार्लर में, पेडिक्योर करवा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पेडिक्योर करने के लिए हमने टब ले लिया पेडिक्योर का, उसके अंदर डाल दिया है सॉल्ट और शैम्पू। फिर हमने जो है नेल्स पे से रिमूव कर ली है नेल पेंट, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी होती है। और उसके बाद हमने 10 से 15 मिनट के लिए डिप कर लिए हैं पैर पानी में, और अब फिलहाल क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है पैरों की, जिसके लिए सबसे पहले हमने थोड़ा सा शैम्पू लेकर और ये जो ब्रश है नेल वाला, तो इसके साथ हमने पहले नेल्स की साफ़ सफाई करी। और उसके बाद अब आ गए हम फुट की क्लीनिंग पे, और ये जो है अब फुट की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। तो फुट क्लीनिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है इसमें, क्योंकि पैर थोड़े से गंदे हो जाते हैं, तो फुट क्लीनिंग अच्छे से होनी चाहिए। तो फुट क्लीनिंग के बाद फिर आ जाती है बारी नेल्स की। तो नेल्स के लिए सबसे पहले क्यूटिकल क्रीम लगाएंगे हम नेल्स के ऊपर, और फिर करेंगे हम नेल्स की सफाई, क्योंकि नेल्स के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी गंदगी हो जाती है इकट्ठी। तो फिर अब हम जो है ये नेल्स की सफाई के जो टूल्स हैं उनके साथ हम नेल्स की सफाई करेंगे, एक एक करके सारे टूल्स के साथ। नेल्स के ऊपर से भी सफाई होगी और नेल्स के अंदर से भी सफाई करनी पड़ेगी इसके लिए। तो अब फिलहाल वही स्टार्ट हो गया है हमारा प्रोसीजर धीरे धीरे। नेल्स की सफाई कंप्लीट होने के बाद फिर आती है स्क्रब की बारी। फिर हम जो है फुट पर करते हैं स्क्रब, और स्क्रब पैरों के नीचे भी होगा, पैरों के ऊपर भी होगा, मतलब हाफ लेग तक ये स्क्रब से हम इसको जो है साफ करेंगे। और स्क्रब करने के बाद अच्छे से इस पर मसाज भी होगी, मसाज करनी पड़ेगी। ये देखिए मसाज के स्टेप हमने थोड़े स्पीडली कर लिए हैं यहाँ पर। और मसाज करने के बाद अच्छे से इसको हमने 10 से 15 मिनट तक करना है इस मसाज को इसके साथ, और फिर जो है इसको हम कर देंगे साफ एक जो है टिश्यू के साथ या टॉवल के साथ साफ के साथ। और उसके बाद फिर आएगी हमारे दूसरे स्टेप की तैयारी भी। स्क्रब होने के बाद फिर आती है बारी हमारे जो है क्रीम वाले पार्ट की, यानी कि स्क्रब साफ करने के बाद फिर हम लगाएंगे क्रीम। और इसको भी सेम प्रोसीजर रहेगा, इसका भी हमने क्रीम लगानी है पैरों पे ऊपर और नीचे दोनों साइड। और पैरों पे जो है क्रीम लगाने के बाद फिर जो है हमने सेम स्टेप मसाज के करने हैं इस पर। और ये स्टेप भी जो है वो भी 10 से 15 मिनट तक चले। क्रीम से मसाज करने के बाद फिर आती है टाइम बारी हमारे नेल्स को शेप देने की। ये आप चाहे तो पहले भी कर सकते हो, यानी कि जब आप पैर डिप करवाते हो उसमें टब में, पेडिक्योर टब में, उससे पहले भी आप जो है नेल्स को शेप दे सकते हो। आप चाहे तो इस समय भी दे सकते हो, एज यू विश, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे कर सकते हैं। फिलहाल हम देंगे शेप, और शेप देने के बाद हम फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे कस्टमर्स के नेल पेंट। कस्टमर से हम पूछ लेंगे कि उसको किस तरीके की नेल पेंट लगवानी है, तो वैसे ही हम वही कलर कस्टमर के अकॉर्डिंग ही उसको वो नेल पेंट का कलर लगाएंगे। और फिलहाल हमारा जो है पेडिक्योर हो चुका है कंप्लीट। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा।